क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट और अद्भुत पार्ट कौन सा है? जितना इंपॉर्टेंट एक रेलगाड़ी में मशीन का होता है, इंजन का होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में माइंड का होता है। अगर रेलगाड़ी में इंजन खराब हो जाता है तो रेलगाड़ी नहीं चलती है। उसी तरह से हमारे माइंड में, अगर हमारी बॉडी में अगर माइंड खराब हो गया तो आपकी जो बॉडी है ना वो नहीं चल सकती है। एक बहुत बड़े विद्वान बंबई के विजय रेले ने एक बुक्स लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था, उस बुक्स का नाम था द वैदिक गॉड्स इज द फ्यूचर्स ऑफ लाइफ। उसमें उन्होंने ये सिद्ध किया था कि हमारे माइंड में एक ऐसी दिव्य शक्ति है, एक ऐसी शक्तियां हैं जिसको जगा लेने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है, दुनिया का कोई भी चीज पा सकता है। जी हाँ, ये देखने में काफी छोटा, तौलने में भी काफी वेट से कम, इसकी इतनी सारी शक्तियां, अपार शक्तियां है कि अगर आप इसको एक बार, अगर आप इसको जान जाओगे, अगर इसके कैपेसिटी को जान जाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप आसमान में देखते हो ना कि बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं। जब आप रात को आसमान में देखते होगे तो बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे होते हैं। उसी तरह से अगर माइंड को आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो आपके माइंड में ना जाने अरबों सेल्स हैं। और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि वो सारे सेल्स का अलग अलग वर्क होता है, तो सब सेल्स की एक अलग इंपॉर्टेंस है, अलग वर्क है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह भी बोला था कि हम अपने माइंड का ओनली 7% ही यूज कर पाए। इतने बड़े विद्वान जिन्होंने आइंस्टीन थ्योरी दी थी, उनका यह कथन था कि मैं सिर्फ अपने माइंड का 7% ही यूज कर पाया। तो हम आम आदमी कितना यूज कर पाते होंगे अपने माइंड का, सो आप लोग जानते होंगे। तो चलो, अब बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं आपको बताने वाला हूं वो ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आप अपने माइंड को कंप्यूटर से भी फास्ट कर सकते हो। जी हाँ, पहली पॉइंट है पजल्स। जब आपके घर में पेपर्स आता होगा तो आप पजल्स देखते होगे, और पजल्स गेम जो होता है उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होता है कि आपकी माइंड कंसंट्रेशन पावर और कम से कम समय में किसी चीज को आपको सॉल्व करने की कैपेसिटी बन जाती है। दूसरी पॉइंट है कि जब भी आप जनरल स्टोर में जाते हो तो कभी भी लिस्ट बनाते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, एक लिस्ट, लंबी सी लिस्ट आप बनाते हो। और जब लिस्ट बनाते होगे, दुकान पे पहुंचते होगे, तो आप दुकान वाले को ये बोलते होगे कि भैया मेरे को ये चीज दे दो। तो आपके माइंड में बिल्कुल कागज पे सब कुछ लिखा होता है, तो इससे माइंड की एक्सरसाइज नहीं हो पाती। तो आप एक काम करो कि जब आप जनरल स्टोर में जाते हो या फिर कहीं भी दुकान में आप सामान लेने जाते हो तो आप एक लिस्ट मत बनाओ। आप अपने माइंड में ये सोच के रखो कि मुझे ये चीज लेना है, इतना ग्राम लेना है, ये इतना केजी लेना है, ये इतना जो भी है, आप एक पूरा अपने माइंड में पूरा कैलकुलेशन बना लो। तो इससे क्या होता है कि आपकी याददाश्त पावर, आप अपने माइंड को कुछ ना कुछ काम देना स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपकी माइंड, आपकी सोच, आपकी थॉट्स बिल्कुल इंप्रूव होगी और आप कुछ भी करने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड रहोगे, आपका माइंड बिल्कुल सही वे में काम करेगा। तीसरा पॉइंट है न्यू टेक्निक्स अपनाएं। जो आप काम पहले से करते आ रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो, अब आप नए तकनीकों से स्टार्ट करो। सपोज करो कि आप खाना राइट हैंड से खाते हो तो लेफ्ट हैंड से खाना स्टार्ट कर दो। सपोज करो कि आप राइट हैंड से लिखते हो, लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दो। सपोज करो कि आप जो ब्रश करते हो राइट हैंड से करते हो, लेफ्ट हैंड से करो। कुछ नई चीजें, शर्ट की बटन लगाते हो राइट हैंड यूज करते हो, अब लेफ्ट हैंड यूज करो। तो जो चीज भी करते आ रहे हो उससे कुछ डिफरेंट करो, न्यू टेक्निक्स अपनाओ। तो इससे माइंड क्या होता है ना, ये सोचती है कि मुझे कुछ अब नया करना है। तो ये एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन होगा जो माइंड को क्रिएटिव बनाता है। लिसनिंग सॉन्ग, जी हाँ, नए नए सॉन्ग्स को रोज सुना करो, नई मूवीज देखा करो। इससे क्या होता है कि आप नए नए चीजों को जब आप जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आपकी माइंड कैपेसिटी है वो काफी इंप्रूव होती है और वो चीज आप आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। तो नई नई सॉन्ग को सुना करो, नए नए मूवीज देखा करो, नए नए चीजों को ऑब्जर्व किया करो। लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको काफी गौर से सुनना चाहिए, रोजाना न्यू ट्रिक्स, रोजाना नए नए वर्ड मीनिंग, नए नए वर्ड्स, नए नए प्लेसेस, नए नए लोगों के बारे में जानकारियां, बहुत सारी ऐसी चीजें, नए नए क्रिएटिव चीज, अमेजिंग फैक्ट, ये सारी चीजों को देखा करो, समझा करो। बहुत सारे विद्वान लोगों ने ये एक सिद्धांत दिया था कि अगर हम कोई चीज को भी कंसंट्रेशन के साथ अगर कोई चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए जिज्ञासु हो जाती है। तो अगर आप कोई भी चीज को पाना चाहते हो तो माइंड के कंसंट्रेशन पावर को समझो, इसके ताकत को समझो, तो माइंड के दिव्य शक्तियों को समझो। बहुत सारी ऐसी चीज है, कोई भी चीज है दुनिया की, कोई भी चीज को आप पा सकते हो अगर माइंड के आप अपने अंदर के ताकत को, अपने अंदर के पैशन को, अपने अंदर के एंथुजियाज्म को अगर आपने समझ लिया तो दुनिया का कोई भी चीज आप पा सकते हो, ये मेरा दावा है। तो आशा करता हूँ कि वीडियोज आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आज के लिए बस इतना ही, मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ, फिर एक नए सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा।